हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में कांग्रेस का 61 साल का इतिहास कायम महेंद्र चौधरी बने जिला प्रमुख। पंचायती राज चुनाव को लेकर आज पूरे प्रदेश में जिला प्रमुख के लिए मतदान थे। वहीं मतदान होने के तुरंत बाद लगभग सभी जिलों में रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने 61 साल के इतिहास को कायम रखा है और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख बन गए हैं। बाड़मेर के 37 जिला परिषद सदस्यों के चुनावों में 21 वोट महेंद्र चौधरी को मिले, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रूप सिंह राठौड़ को 16 वोट ही मिले। आपको बता दें कि जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के 18-18 प्रत्याशी जीते थे तथा एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विजय हुआ था। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बाड़मेर में जिला प्रमुख के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है। बाड़मेर के नव निर्वाचित जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास है और जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को समर्थन दिया है उसके लिए मैं 5 वर्ष तक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से जनता के लिए विकास का कार्य करवाऊंगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख बाड़मेर इन्होंने ये कहा। लोगों का विश्वास जिला परिषद कांग्रेस पे रहा, जनता ने पहले कांग्रेस को विश्वास में लेकर जीते आई हमारे, उसके बाद में लोगों ने मदद की। जिला परिषद जितने भी मेंबर बने हुए थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विश्वास करके कांग्रेस की मदद की और कांग्रेस एकजुट थी पूरी। सभी हमारे राजस्व मंत्री हरी जी, अमीन खान जी, सेवा राम जी, मदन जी, जिला अध्यक्ष, अब 5 साल की प्राथमिकता की मदद की। प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपकी? ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे हो। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।